इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कोरोना पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। सिंगापुर स्ट्रेन भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सिंगापुर से आने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया जाए। केजरीवाल ने ट्विटर पर क्या लिखा है वो अब आपको बताते हैं। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएं। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, ये जो बात केजरीवाल कह रहे हैं ये काफी चिंताजनक बात है कि सिंगापुर का जो स्ट्रेन है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। वैसे भी पहले भी बात कही जा रही थी कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, तो इस पर अब तक कोई रिएक्शन क्या ट्विटर पर जो बात कही केजरीवाल ने कुछ जवाब उनको मिला है केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, अभी इस पे कोई जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स भी शुरू से यही बता रहे थे कि तीसरी लहर जो आएगी कोरोना की वो छोटे बच्चों के लिए खतरनाक होगा। और उससे एक कदम आगे जाते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि सिंगापुर में जो स्ट्रेन मिला है वो बच्चों के लिए खतरनाक है। और ये देखिए, एक सच्चाई है कि कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान गई, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि देश की राजधानी होते हुए भी अलग से बच्चों के लिए कोई कोविड वार्ड हो। ऐसे में ये चिंताजनक स्थिति है, लिहाजा केंद्र सरकार से ये अपील की है कि जो हवाई सेवा है सिंगापुर के साथ उसको तुरंत रोक दिया जाए और बच्चों के लिए वैक्सीन पे काम किया जाए। ये बात देखा गया है कि तमाम कंपनियों के द्वारा 12 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उसके लिए अभी कोई तैयारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है और चिंता का सवाल है कि अगर कोरोना का वो स्ट्रेन जो कि सिंगापुर में पाया जा रहा है और बच्चों के साथ कुछ खतरनाक है, तो उसकी तैयारी अभी से करने की जरूरत है और वहां से जो हवाई सेवा तत्काल प्रभाव से बंद करने की जरूरत है। भास्कर, अगर ये जानकारी दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास है, तो जाहिर है केंद्र सरकार के पास भी होगी, वो भी अपने स्तर पर इसको लेकर तैयारी तो कर ही रहे होंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है अभी से कुछ देर पहले, उससे जस्ट पहले मुख्यमंत्री की मीटिंग जो चल रही थी पीएम के साथ उसमें वो खुद मौजूद थे, तो वहां पे भी वो मसला उठाया नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण है तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी से कुछ देर पहले उनके पास में था जिसमें तमाम देश के चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट के डीएम भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री खुद वो मीटिंग ले रहे थे, वहां भी वो ये उठाया जा सकता था ये मसला, तुरंत से कार्रवाई की बात की जा सकती थी। लेकिन उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद पीएम ने ये ट्वीट किया है और ये कहा है कि हवाई सेवा तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और बच्चों के लिए वैक्सीन की तैयारी की जाए। तो ये सुझाव भी बहुत अहम है कि बच्चों के लिए वैक्सीन की तैयारी की जाए, क्योंकि कनाडा और अमेरिका में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में हिंदुस्तान में भी इसको प्राथमिकता से इस पर काम किए जाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।